बीजेपी ने धार्मिक प्रतीकों पर या महापुरुषों के राजनीतिकरण करने के सिवा कोई और कार्य नहीं किया। इसका उदाहरण ये है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, आम जनता या देश का कोई भी नागरिक, कोई भी मानव, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है और संविधान भी इनको बुनियादी अधिकार या संवैधानिक अधिकार मानता है और बीजेपी इन चीज़ों का भी निजीकरण करके प्राइवेट क्षेत्रों में देके आम जनता से पढ़ने लिखने का, स्वस्थ रहने का, मजबूत और बलवान रहकर देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का अधिकार ये तमाम छीन ली। जिस तरह से बाबा साहब को लेकर तमाम पार्टियां अब भव्यता ला रही हैं और बाबा साहब की जयंती को भव्य तरीके से मना रही हैं, क्या कहेंगे कि बाबा साहब के विचारों को भी उतना ही फॉलो किया जा रहा है? राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में फर्क है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वैचारिक अनुपालन नहीं करते, जो उनके मानवीय विचारधारा है, जो संवैधानिक विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सुरक्षा और आज़ादी मिलनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए और जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबका अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करते। इसके लिए कोई भी जन आंदोलन बनाने का प्रयास आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। केवल प्रतीकों की राजनीति हो रही है और पूरे देश प्रदेश में बाबा साहब की स्टेचू लगाकर एक प्रस्तर युग में जैसे धार्मिक प्रतीकों की राजनीति होती आई है, आज तक हमने धार्मिक प्रतीकों में उनकी प्रतिमाएं लगाई हैं, परंतु उनके उन महापुरुषों के विचारों को जागृत करने का, जन जन तक पहुंचाने का, उनको अनुकरण करने का, उनके पदचिन्हों पर चलने का कभी भी सामाजिक या प्रयास नहीं किया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सबसे ज़्यादा बाबा साहब को अगर सम्मान देने की बात की है तो बीजेपी ने दिया है। उनके तमाम जो हैं, चाहे 26 अलीपुरी रोड पर उनका एक म्यूजियम हो वो, और जो जनपद पर उन्होंने बनवाया ऑडिटोरियम वो हो, और लंदन में भी जहां पर उनके हॉस्टल में बाबा साहब रहे थे उनकी वो रूम खरीदने की बात हो, ये सही है। परंतु ये भी सही है कि बीजेपी ने धार्मिक प्रतीकों पर या महापुरुषों के राजनीतिकरण करने के सिवा कोई और कार्य नहीं किया। इसका उदाहरण ये है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, आम जनता या देश का कोई भी नागरिक, कोई भी मानव, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है और संविधान भी इनको बुनियादी अधिकार या संवैधानिक अधिकार मानता है और बीजेपी ने इन चीज़ों का भी निजीकरण करके प्राइवेट क्षेत्रों में दे के आम जनता से पढ़ने लिखने का, स्वस्थ रहने का, मजबूत और बलवान रहकर देश के लिए अपने आप को नौछावर करने का अधिकार या सपना छीन लिया। आज सरकार ने, जिस देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार है, वहाँ शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं और जबकि धर्म को एक नशे के तौर पर, धर्म का भगवाकरण या राजनीतिकरण करके, जो संजीवनी की बात थी कि हनुमान जी संजीवनी में लेकर आएंगे शिक्षा, चिकित्सा के लिए और सबको स्वस्थ करेंगे और सबको जागृत कर देंगे, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली, परंतु दारू के ठेके जरूर चाहते हैं। शिक्षा के लिए कोई चीज़ें या स्कूल कॉलेज नहीं है। हॉस्पिटल आज मतलब पूरा देश महामारी में रहा, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से और कोरोना की कमी उससे लगभग तो ला रही है ना, मैं जीत भी रहे हैं और सरकार भी इनकी बन रही है, तो इसका मतलब वोट मिल रहा है, जो लोगों को मैंडेट है वो तो मिल रहा है इनको। मैंडेट इसको कैसे कहेंगे कि कोरोना काल में कोरोना के नाम पर वोट बने, परंतु सबका मतदाता सूची में मतदान का अधिकार सुरक्षित नहीं हुआ, वोट कट गए और वो भी एक खास समुदाय के वोट कटे, खास जातियों के वोट कट गए और उन पर आपत्ति का समय नहीं रहा। अपने आप खूब प्रचार किया, जब विपक्षियों का प्रचार करने का समय आया कोरोना के नाम पर गाइडलाइन जारी कर दी। लेकिन इसकी तो हर चुनाव से पहले समीक्षा होती है और उसको बकायदा जिला अधिकारी जो है उसकी जिम्मेवारी होती है, निर्वाचन आयोग जो है इसकी एक कमेटी गठित करता है, कितनी वोट नहीं है, कितनी वोट कटी है। यही एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है,
और संवैधानिक अधिकारियों की, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि हर देश के जो वयस्क मतदाता है उनका मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित हो। अगर नाम सुनिश्चित ना हो तो उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, देशद्रोह या संविधान द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परंतु ये नहीं हुआ, पूरे के पूरे बस्तियों के नाम, बस्तियों में से एक गलियों के नाम काट दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, परंतु बहुत सारे वोट ऐसे हैं जिनके कई कई बार नाम है, गाँव में भी नाम है, वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट देते हैं, नगर पंचायत के चुनाव में वोट देते हैं, ये विधानसभा के चुनावों में कई कई जगह उनके नाम है। तो ये एक दोष है ये संवैधानिक अधिकारी या शासनिक पदाधिकारियों का जो मतदाता सूची मतदान से जुड़े हुए हैं, जिनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने का अधिकार है, परंतु उन्होंने उसमें ईमानदारी से काम नहीं किया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं कर रही है बीजेपी, केवल उनके जो है भव्यता प्रोग्राम है उनकी जयंती को मनाकर फिर वोट बैंक को साध रही है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और अन्य पार्टियां हो, तो जो उनके जो शासन प्रशासन में ये कमी देखने को मिली है कि किसी ने भी आज तक भी शासनिक पदाधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की या इनकी कोई जिम्मेदारी आज तक नहीं निभाई, और जिम्मेदारी ना निभाने पर उनके लिए दंडात्मक प्रयास नहीं किए गए, मतलब दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने का सुनिश्चित प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हमारा कानून सक्षम है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, वो संवैधानिक प्रमुख है, परंतु राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण या राजनीतिक गुलामी के कारण आज उसे एक रबर स्टैंप के तौर पर बनाया जा रहा है। कोई भी अगर संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं किया जाता है तो हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो संज्ञान ले सकते हैं, परंतु संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मानते हैं कि बहुजन राजनीति हास्य पे चली गई है? बहुजन राजनीति नहीं, पूरे देश की आम आदमी की जो राजनीतिक है, संवैधानिक सुरक्षा की राजनीति है, संवैधानिक अधिकारों की राजनीति है, वो ही पूरी तरह से गौण हो गई है। वो सिर्फ एक साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं जो देश के शासनिक संवैधानिक शासन प्रशासन पर कब्जा रखना चाहती हैं, देश के साधनों पर कब्जा करके और देश जो मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाना चाहती हैं, वो पूंजीपतियों को एक तरह से पूंजीपतियों के चंदे पर आधारित होकर चुनिंदा पूंजीपतियों को ही देश के साधनों संसाधनों पर एकाधिकार देकर राजनीतिक गुलाम बना रही है। ये सबका है, चंदे कर चंदे के धंधे में पूरे देश को राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक गुलामों के तौर पर आज देश को पेश कर रही हैं। वहां संवैधानिक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अप्रैल माह को पूरी भव्यता से मनाया जाए, बाबा साहब की जयंती जो है वो पूरी भव्य तरीके से, तो इसके पीछे क्या नजर आता है आपको, क्या लगता है आपको कि बीजेपी वाकई अब बाबा साहब को जिस तरह सम्मान दे रही है उसी तरह से उनके पूरे समाज को भी, मतलब उनके उत्थान को आगे बढ़ाएगी? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मुझे किताबों में ढूंढना, अंतिम व्यक्ति के, देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में ढूंढना, मानवीय विकास में ढूंढना। अगर बाबा साहब को सम्मान देने की बात है तो उनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के तौर पर जो हैं स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, चिकित्सा सुविधाओं की देश में पूरी मांग पूरी होनी चाहिए आबादी के हिसाब से, और स्कूल कॉलेजों में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मूर्तियों में आकर सिर्फ हम मूर्ति में प्रस्तर युग में जाकर, पाषाण युग में जाकर सिर्फ महापुरुषों के नाम पर राजनीति करके लड़ी तो रहे हैं, मानसिक नफरत तो फैला रहे हैं, ये बाबा साहब का विचार नहीं था। लेकिन आपको लगता नहीं कि पिछले एक दशक में 14 अप्रैल खासकर बाबा साहब की जयंती पर काफी भव्यता आ गई है? जैसे जैसे देश में जागृति आई है दलित और पिछड़े समाज में, ऐसे जिस जिसकी भी समाज में जागरूकता आई है महापुरुषों को लेकर, उन महापुरुषों का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे वो के नाम है माननीय काशीराम जी हों, चाहे वो चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे वो जो कांग्रेस और बीजेपी के वैचारिक विरोधी पार्टियों के रहे हों, परंतु उनके जाने के बाद उनके विचारिक दर्शन को मानने के बजाय सिर्फ मूर्तियों पर माल्यार्पण करके, भव्यता प्रोग्राम करके सिर्फ तिलांजलि देने का प्रयास है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।